थोड़ा मोटिवेशन हो जाए। इस सेक्शन में हम बात करेंगे कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज के बारे में, जिससे आपको मिलेगा रैंडम ज्ञान, लाइफ हैक, हो सकता है जीने का कुछ तरीका भी मिले, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाए। आज की स्टोरी है द ग्लास जार। क्लास चल रही होती है, एक प्रोफेसर आते हैं, उनके हाथ में काफ़ी चीज़ें होती हैं। सारे स्टूडेंट को कौतूहल से देखते हैं। उनमें से वो एक ग्लास जार उठाते हैं, उसमें गोल्फ की बॉल्स डालते हैं तब तक जब तक वो भर ना जाए। फिर वो स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या ग्लास जार भर चुका है। सारे स्टूडेंट कहते हैं कि जी हाँ सर, ये तो भर चुका है। इसके बाद वो छोटे छोटे पेबल्स उठाते हैं, वो काफ़ी चीज़ें लेके आए थे। अब वो पेबल्स को इसमें डाल के थोड़ा सा इसे शेक करते हैं तो पेबल्स खाली जगहों में जाके भर जाती है। एक बार फिर से वो स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या ये जार भर चुका है। सारे स्टूडेंट कहते हैं कि जी हाँ सर, अब तो पहले से ज़्यादा भरा हुआ है, ये भर चुका है मेरा मतलब। एक बार फिर से वो जाते हैं, अपनी चीज़ उठाते हैं एक और, जो कि होती है धूल, सैंड। अब वो सैंड को इसमें पलटते हैं, हिलाते हैं तो खाली जगह जो होती है उसमें वो जाके भर जाती है, यानी ऑलमोस्ट फिल हो जाती है। एक बार फिर स्टूडेंट से पूछते हैं कि बच्चों अब क्या ये भर चुका है, आप तो कह रहे थे भर चुका है, ये मैं तो फिर भरा इसमें कुछ चीज़। सारे स्टूडेंट कहते हैं जी हाँ सर, अब तो बिल्कुल भर चुका है, अब तो कोई गुंजाइश नहीं है। प्रोफेसर हंसते हैं और कॉफ़ी मशीन की तरफ जाते हैं, लगी हुई थी उनकी क्लास में, दो कप कॉफ़ी के लिए आते हैं वो और उसको इसमें पलट देते हैं। अब कॉफ़ी पानी मतलब तरल चीज़ है, वो जाके सेट हो जाती है खाली जगहों में, यानी पूरा भर जाती है। अब सारे स्टूडेंट सोच रहे होते हैं तो प्रोफेसर कहते हैं देखो बेटा, ये ग्लास जार और कुछ नहीं, ये आपकी लाइफ है। चलिए मैं और समझाता हूँ आपको इसके आगे। अब जैसे एक ग्लास जार आपकी लाइफ हो गई, ये जो गोल्फ बॉल है ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि गॉड, फैमिली, चिल्ड्रन, हेल्थ, फ्रेंड्स, आपकी फेवरेट पैशन जो भी है, हॉबी आपकी। पेबल्स जो हैं वो है आपकी जॉब का सेकेंडरी चीज़ें, और बाकी जो सैंड है वो है सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो कि बाकी सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, पहली चीज़ पे ध्यान देना, आपकी हेल्थ पे, आपकी फैमिली पे, आपके फ्रेंड्स पे। इसके बाद क्या आता है, जॉब का सेकेंडरी चीज़ें, और सबसे लास्ट में बाकी चीज़ें आती हैं जिनकी गिनती ही नहीं है, बहुत चीज़ें होती हैं उसमें। तो एक स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाता है, वो कहता है सर ये सब तो ठीक है, पर मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि आपने कॉफ़ी भी तो डाली थी, वो क्या है, कॉफ़ी कहाँ गई। तो प्रोफेसर हंसते हैं कि देखो बेटा, लाइफ कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ग्लास जार तो याद रहेगा आपको, आप ना दो कप कॉफ़ी के लेना और किसी दोस्त के साथ बैठ के बात करना, जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई सोल्यूशन ना मिल रहा हो, बस दो कप कॉफ़ी के लो, एक दोस्त के साथ बैठो, बस डिस्कशन करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, क्योंकि लोगों को बताने से काफ़ी बार कई अच्छे सोल्यूशन मिल जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, ग्लास जार एंड टू कॉफ़ी, लाइफ में काफ़ी हेल्प कर सकता है आपको। बात करिए, अपनी बातें बताइए, डिस्कशन करिए। ये इन्फोग्राफिक क्रिएट की थी शालवी श्रेयस ने, मैं इनकी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ऐसी कहानियों के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।